उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 42 में प्रतिकर कर भुगतान करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी स्थान पर विकृत शराब के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति हुई है, तो वह विनिमार्ता और अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी भी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपये अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपये अथवा किसी अन्य पारिमाणिक चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपये भुगतान करने का आदेश देगा। बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 तथा संशोधित अधिनियम के अध्याय 6 अपराध एवं शास्त्रीय के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में शराब के धंधे में लिप्त दोषियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला के फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही भुगतान हेतु धारा 42 के अंतर्गत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चलिए महोदय, प्रदेश में पूरा जवाब तो दे दिए, अब क्या पूछिएगा? नहीं सर, पूर्ण शराबबंदी है और जहरीली शराब से सारा जवाब दिए आप, इसको उनके आस अलग है, उसको देख लेते पहले से पूरे आते तो ये बच जाते। इतना कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए सर। महोदय आपसे, अब चलिए बैठ जाइए। श्री यूसुफ सलाउद्दीन, शराबबंदी पर आपको क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, जो बात आई है माननीय मंत्री जी के तरफ से, उसमें एक समय सीमा निर्धारित। क्या चीज में समय सीमा है? किस चीज में? इसलिए कि जो क्या चीज के लिए समय सीमा चाहते हैं? मुआवजा बता रहे, मुआवजा के लिए। महोदय बताइए मंत्री जी। महोदय, जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जांच रिपोर्ट जब आता है, जांच रिपोर्ट के बाद आप देंगे, 48 घंटे के अंदर हम निर्देश दे देंगे कि मुआवजा दिए जाए। अगर के बाद देंगे इस तरीके, कौन है साहब बताइए, अभी अभी कौन है बताइए ना, कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्रश्न चल रहा था तो आप बाधक बने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। हाँ? हो गया, आप चलिए। सुनाना है आपको, नहीं सुनाना है। श्री यूसुफ सलाउद्दीन,